नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कर्ज, जो कि वंडरमैन परमाणु के कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं तुम्हें ये मशीन नहीं ले जाने दूंगा, लगता है इस मशीन से पहले तू अपनी जान देना चाहता है। चल तेरी ये इच्छा पूरी किए देता हूं। नहीं, इस तार ने बहुतों को झटका दे देकर मारा है। ये तार प्रोफेसर गोरे को झटका नहीं दे पाएगी, क्योंकि इस तार से भी बड़ा झटका तुझे देने आ गया है। परमाणु, खूब पहचाना, लेकिन मैं यहां जान पहचान बढ़ाने नहीं बल्कि तुझे तेरी पहचान भुलाने आया हूं। भड़ाक, तू यहां अपनी जान गंवाने आया है परमाणु सर, और तेरी जान निकलने से पहले तेरे शरीर पर लिपटी ये तार तेरे शरीर के इतने टुकड़े करेगी कि उन्हें गिनने वाले गिनती भूल जाएंगे। ओह क्यों परमाणु, मैंने सही कहा ना? तेरा कहा सही हो सकता है, अगर मैं बोलकर नहीं हो सकता होता। ट्रांसमिट, मैंने तेरी तारों का कमाल देखा, तू मेरी परमाणु रस्सियों का कमाल देख। आ देखा, अब देख परमाणु छल्लों का कमाल। आ परमाणु छल्ले के धमाकों ने उसे पांव पर खड़ा नहीं रहने दिया। बेहोश होकर पछाड़ खाकर जमीन पर गिरा वो। कमाल है, ये इतनी महत्वपूर्ण चीज को लेने आया और इतनी आसानी से चित हो गया। ये कमाल की नहीं दिमाग की बात है। चाहता तो मैं अपने इस साथी को इतनी तैयारी से भेजता कि ये तुझे नाको चने चबा कर प्रोफेसर गोरे के मशीन को ले जाता, लेकिन ऐसा करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तो सिर्फ तुझे इस तरह उलझाने की, ताकि तेरे बिना रोके आसानी से प्रोफेसर गोरे तक पहुंचा जा सके। प्रोफेसर मामा, आप इन सब के पीछे? ओह, ये बात मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी। देर से समझा, समझ तो गया, अब चल रास्ते से हट और मुझे प्रोफेसर गोरे की ये मशीन ले जाने दे। ओह, यानी आप इस मशीन के जरिए अपने नापाक मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। इस बार परमाणु से नहीं बल्कि प्रोफेसर गोरे से मुखातिब हुआ प्रोफेसर कमल कुमार। मोबाइल की स्क्रीन पर घड़ी अपनी आंखें हटाओ प्रोफेसर, और मुझे मेरे बेवकूफ भांजे को समझाओ कि मुझे यह मशीन ले जाने दे, नहीं तो तुम जानते हो कि तुम पर क्या गुजरेगी। हाँ मैं समझाता हूँ, मैं परमाणु को समझाता हूँ। दूसरे क्षण प्रोफेसर गोरे एक झटके से परमाणु के सामने आ खड़ा हुआ। ये आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर? वापस लौट जाओ परमाणु, इन्हें मशीन ले जाने दो। ये प्रोफेसर गोरे को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो ये उस मशीन के लिए अपनी जान देने को तैयार था, अरे प्रोफेसर इतना घबराया हुआ क्यों है? और वो बार बार अपने हाथ में थमे मोबाइल पर क्या देख रहा है? तो तुम सामने से हट जाओ परमाणु। परमाणु का स्वर कठोरता से भरता चला गया। माना कि यह मशीन आपका आविष्कार है प्रोफेसर, लेकिन फिर भी यह देश की धरोहर है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं ले जाने दूंगा। मैं इसके रास्ते से नहीं हटूंगा। हटना तो तुम्हें होगा ही परमाणु, नहीं तो तुम्हें मेरी लाश देखनी होगी। ओह नो, प्रोफेसर गोरे ने इलेक्ट्रॉनिक आरी अपनी गर्दन पर लगा ली है। कमाल है, मशीन अपराधियों के हाथों में चली जाए इसके लिए प्रोफेसर गोरे अपनी जान देने पर तुला है। क्यों? सवालों के भंवर में फंसकर क्यों एक होनहार प्रोफेसर की जान का दुश्मन बन रहा है भांजे? उसकी बात मानकर रास्ते से हट क्यों नहीं जाता? आपने कोई खेल खेला है मामा, लेकिन मैं आपके इस खेल को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं नहीं हटूंगा। हटना तो तुम्हें पड़ेगा ही परमाणु। आरी के गर्दन के छूते ही प्रोफेसर के हलक से दर्दनाक चीख उबल पड़ी।
और प्रोफेसर की उस चीख ने परमाणु को झकझोर कर रख दिया। आरी को अपनी गर्दन से दूर हटाओ प्रोफेसर, मैं हट रहा हूं, मैं हट रहा हूं। उफ, प्रोफेसर गोरे सचमुच अपनी गर्दन काट देने पर उतारू है। ऐसे में मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं सामने से हट जाऊं और वो होने दूं जो मामा चाहते हैं। मैं जानता था भांजे कि तू प्रोफेसर को मरते नहीं देख सकता, तभी तो मैंने ये खेल रचा। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आगे बढ़ो और मशीन उठाओ। अपनी जगह पर ही खड़े खड़े रिक्वेस्ट करने के सिवा कुछ ना कर सका परमाणु। इस मशीन को मत ले जाइए मामा जी, ऐसा करके आप और भी जुर्म की दलदल में धस जाएंगे। आपके लिए वापसी का रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं जानता हूं, लेकिन वापस लौटना चाहता कौन है? जिसे तू जुर्म की दलदल कह रहा है भांजे, वो असल में स्वर्ग है, और इस मशीन की बदौलत मैं उस स्वर्ग का राजा बनूंगा। तेरी तरफ देखकर मुझे ये एहसास हो गया है कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है। चल, मैं तेरे प्यार का भर्म रखता हूं और तुझे अपनी दुनिया में आने का न्योता देता हूं। मेरी दुनिया में तू मेरा उत्तराधिकारी होगा। हम दोनों मामा भांजे मिलकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। वैसे तुझे मेरी बात मानने से कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तेरा माँ बाप भी हूं और गुरु भी। मैं नहीं होता तो तेरा अस्तित्व कभी का खत्म हो गया होता। तेरी जिंदगी तेरे शरीर का रोम रोम मेरा कर्जदार है। इस कर्ज को उतारने तुझे मेरी दुनिया में आना ही चाहिए। सोच ले भांजे, खूब सोच ले कि तू मेरा कर्ज उतारने मेरे दुनिया में आना चाहता है या नहीं। जवाब ना ना में हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरियो। और हां में हो तो मुझसे मानसिक संपर्क बनाकर अपना इरादा बता दियो, ताकि मैं अपनी दुनिया में तेरे स्वागत का जोरदार इंतजाम कर सकूं। अपने एयरक्राफ्ट पर मामा अपने साथियों के साथ मशीन लेकर जा रहा है, लेकिन मैं उनका पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेसर गोरे अभी भी आरी से अपनी गर्दन काटने को बेताब नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर ऐसा क्यों कर रहा है, ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। जल्दी जब बात समझ में आई तो भग से उड़ गया परमाणु का दिमाग। उफ, मामा ने मुझे उलझा कर प्रोफेसर गोरे तक जो मोबाइल पहुंचाया है उस पर MMS के जरिए कुछ तस्वीर भेजी जा रही है। ऐसी तस्वीर जिनमें मामा के साथियों ने प्रोफेसर गोरे के सारे परिवार को अपने कब्जे में ले रखा है। अपने परिवार को बचाने के लिए ही मुझे तुम्हें रोकना पड़ा, इसके लिए मैं गुनहगार हूं। रिलैक्स, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है प्रोफेसर। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि जब प्रोफेसर मामा को लिविंग मेटल नहीं मिला तो खाली आपकी मशीन का क्या करेगा। लिविंग मेटल के बिना तो वो मशीन एकदम बेकार है। मैं अच्छी तरह जानता हूं लुकासु के लिविंग मेटल के बिना ये मशीन हमारे लिए कूड़ेदान से ज्यादा कुछ नहीं है। और अब लिविंग मेटल को हासिल करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि मशीन के चले जाने के बाद उसकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करवा दिए गए होंगे। लेकिन फिर भी ये मशीन हमारे काम आएगी, क्योंकि इसे ऊर्जा देने वाला लिविंग मेटल हमारे पास पहुंचेगा। कैसे होगा ऐसा, देखना, और साथ ही मेरी वो तैयारी भी देखना जिसे देखने के लिए तुम मरे जा रहे हो। इधर परमाणु भी तैयारी देखने में ही व्यस्त था। हर तैयारी पूरी है, कहीं कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा है जिससे होकर लिविंग मेटल तक पहुंचा जा सके। मेरी निगाहें भी लिविंग मेटल की सुरक्षा में हरदम लगी है। तुम यहीं से निगरानी करते रहना परमाणु, मैं एक चक्कर लगाकर आती हूं। काश मामा जी अपराधी ना बन गए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। एक बार फिर परमाणु का ध्यान अपने प्रोफेसर मामा की तरफ गया तो उसी में खोता चला गया। मामा जी यानी प्रोफेसर कमल कुमार हिंदुस्तान के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक,
मेरे माता पिता के हत्यारे ने जब गोली मारकर मुझे भी मारना चाहा था तो वो प्रोफेसर मामा ही थे जिन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं सही समय पर पहुंच गया। जरा भी देर हो जाती तो अनर्थ भी हो सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी। भड़ाक! लेकिन जान तब भी सुरक्षित नहीं थी क्योंकि मेरी जान का दुश्मन बनकर मामा की लैब में ही आ पहुंचा था। बुफालो, तुम दोनों मामा भांजे की कब्र बनेगी अब ये प्रयोगशाला। ऐसा नहीं होगा, यहां भी मुझे बुफालो के कहर से मामा नहीं बचाया। बचो विनय, बुफालो तेरे हाथों मरेगा विनय। मास्टर विनय यानी मुझे मौत से बचाने और मेरी मौत बनकर आए बुफाले को मौत देने के लिए प्रोफेसर मामा ने अपना सारा ज्ञान, वर्षों की अपनी सारी मेहनत दांव पर लगा दी। ये अनोखी पोशाक कैसी है मामा? ये समय कोई प्रश्न करने का नहीं है, इसे पहन लो बेटे। मैंने कोई सवाल किया भी नहीं, पहन ली वो पोशाक और बन गया एक ऐसी महाशक्ति जो कहलाई परमाणु। परमाणु बनकर मैं ना सिर्फ अपने परिवार के हत्यारों का दुश्मन बना बल्कि उनका भी दुश्मन बन गया जो देशभक्ति, कानून और अमन चैन के हत्यारे थे। इस काम में प्रोफेसर मामा ने पल पल मेरा साथ दिया, कभी मेरी पावर्स को बढ़ाकर, कभी मेरी जान बचाकर। सच कहूं तो मुझ में ही खोकर रह गए थे प्रोफेसर मामा, और उसका नतीजा ये निकला कि उन्हें अपनी पत्नी को भी खोना पड़ा। मामी हमेशा के लिए प्रोफेसर मामा को छोड़कर चली गई और इसका जिम्मेदार था मैं। लेकिन मामा को इसका जरा भी दुख नहीं था क्योंकि ये मुझे अपनी दुनिया, अपना परिवार, सभी कुछ समझते थे। वे मुझ में और भी ज्यादा खोते चले गए। मुझ पर और भी ज्यादा अपने एहसानों का कर्ज लादते चले गए, तब तक जब तक एक हादसे का शिकार होकर वे लंबी बेहोशी के नींद नहीं सो गए। जल्द ही जब मामा बेहोशी की उस नींद से जागे तो उनका दिमाग उन्हें एक नई दुनिया में ले गया और वो दुनिया थी अपराध की दुनिया। और तब से आज तक मामा उसी दुनिया में है, लेकिन इस दुनिया में आज भी उनके एहसानों का कर्ज मुझ पर चढ़ा हुआ है। आज मेरी और मामा की दुनिया अलग अलग है, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा एक एक बाल उनके एहसानों का कर्जदार है। मैं मामा के कर्ज के बोझ को लेकर नहीं जी सकता, मुझे मामा का कर्ज उतारना होगा। हाँ, मुझे मामा का कर्ज उतारना होगा, मैं मामा का कर्ज उतारूंगा। और ठीक यही वो समय था जब प्रियंका वापस वहां लौट आई थी। मैंने सारी सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर लिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक रहेगा नहीं, मैं सारी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगा। परमाणु, ये तुम क्या कह रहे हो? ये ना तो तुम समझ पाओगी और ना मेरे पास समझाने का समय है, इसलिए हट सामने से। आओ परमाणु, ये तुम्हें क्या हुआ? परमाणु तो कुछ सुन ही नहीं रहा, वो तो हमला करने में व्यस्त हो गया, वो लिविंग मैटर को हथियाना चाहता है। परमाणु ऐसा क्यों कर रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन मैं इसे रोकूंगी। उफ, तुम मुझे नहीं रोक पाएगी प्रियंका, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बड़ूम, कोई नहीं। परमाणु के लिए लिविंग मैटर तक पहुंचने वाले इन रास्तों को पार करना मुश्किल नहीं, क्योंकि इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।